Good morning. Today is 30th of April 2020 and I am taking class 6 Hindi. Right. So, yesterday in the last class we have started a new chapter lesson 2, Samman. We have already finished halfway of the chapter till page 11. Right. Page 11. We have finished third paragraph. Right. Now we'll start with the fourth paragraph. Okay. So, let's start. Shalu umr mein तो बहुत छोटी थी परंतु ज्ञान व अक्ल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। राइट, विद्यालय के सभी बच्चे उसे हीन भावना से देखते थे। उसके साथ की लड़कियां उसे काली कलूटी घास वाली कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन वो उनसे चिढ़ती नहीं थी। उसे तो शैशव अवस्था से ही ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। सो व्हाट हैपेंड, शालू वाज वेरी क्लेवर, राइट, शी वाज वेरी स्मार्ट। सो because of that she can even compare with the adults means grown-ups, right? And she and that's why what happens, the kids in her class, they used to look at her in a bad way, right? They were jealous, right? Because she is from a village, right? She is not rich, she don't get to eat food, but she is still good in her studies, better than them. That's why they used to make fun of her. They used to say words, bitter words, bad words to her. Okay, but she does not take it to heart because she have heard these words since she was very small, right? So it doesn't work on her. Then ek din Riya ne usse pucha, Shalu kya tum vastav mein kali kaluti ghas wali ho? Haan hu, isme buri baat kya hai, main apna kharch swayam jutati hu, main tumhari tarah kisi par bhar thore hi hu, fir rang banana kaun sa hamare haath mein hai, यह तो भगवान के बनाए रंग है, क्या हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या हम इसे नकार सकते हैं? सो व्हाट हैपेंड, काली कलूटी मींस शी हर स्किन वाज डार्क, शी इज डार्कर शेड, राइट, ब्राउन और ब्लैक, राइट, सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू डू व्हाट, दे यूज्ड टू टीज हर, राइट, सो दैट्स व्हाई वन डे रिया आस्क्ड हर, वन ऑफ हर क्लासमेट्स, इज आर यू रियली अ काली कलूटी घास वाली, काली कलूटी ब्लैक डार्क पर्सन, राइट, एंड घास वाली हु यूज्ड टू work on the fields, right? But Shalu, she did not feel bad. She instead said, yes, I am. What's wrong with that? Because I earn my own money, right? I am not a burden to others, not like you, right? Because other kids, what? They used to depend on their parents to earn them, to earn money for them. But Shalu do what? She does hard work and earn her own keeps, right? And that's why she said, and what about the color, right? So color, it doesn't matter because that color is given by God, right? So what can we do, right? We have to accept it. That's right, she said. जब फसल पकती तो शालू नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर लाती, लेकिन शहर की लड़कियां उसे कोई चीज उसकी कोई चीज नहीं खाती थी क्योंकि वे उससे घृणा करती थी। उसकी घृणा के कई कारण थे। एक तो शालू का स्वभाव बहुत सरल था, दूसरे वो पढ़ाई में भी तेज थी। वो विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। वह सदैव सभी से नम्रता का व्यवहार करती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली गंवार लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती। सो व्हाट हैपेंड व्हेन नए फसल, राइट, नए फसल उगते थे तो शालू क्या करती थी, न्यू फूड्स यूज टू ब्रिंग वैरायटी ऑफ फूड बट नो वन यूज टू ईट फ्रॉम हर और इंटरेक्ट विथ हर, राइट, दे डजंट लाइक टू बिकॉज दे फील जेलस ऑफ हर, दे फील दैट सिंस शी इज अ गवार, गवार मीन्स अ विलेजर गर्ल, राइट, शी इज अ विलेजर गर्ल, शी वॉक्स राइट टू स्कूल, देन हाउ कैन शी बी बेटर देन अस, राइट, बिकॉज शालू यूज टू डू व्हाट, वो विद्यालय के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, राइट, वो कभी भी उसे ऐसा फील नहीं हुआ, राइट, दैट शी इज लेसर देन अदर्स, राइट, शी इज ऑलवेज मोटिवेटेड, राइट, शी ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स, राइट, इंटरेक्ट, एंड शी वॉज नेवर रूड टू हर फ्रेंड्स लाइक दे वर टू हर, राइट, उसने कभी भी उनसे झगड़ा नहीं किया, राइट, हमेशा अच्छे से बात की, राइट, एंड दैट्स व्हाई सब लोगों को उससे जलस होती थी, राइट। पेज 12, वे आधी छुट्टी में उसके साथ खाना भी नहीं खाती थी, आधी छुट्टी यानी लंच ब्रेक। वो उनसे पूछती, क्या मैं अछूत हूँ जो आप मेरे साथ खाना नहीं खाती? उसे तका सा जवाब मिलता, हमें गंवारों के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। सो व्हेन इट वाज टू से लंच ब्रेक, सो व्हाट हैपेंस, शी यूज्ड टू डू व्हाट, शी वाज लेफ्ट अलोन बिकॉज़ नोबडी ईट लंच विद हर, राइट,
she used to feel bad. Achhut means untouchable, right? I think you have read about untouchables. So untouchable, which cannot be touched, right? So what happened? Am I untouchable that you don't eat food with me, right? But they say that they don't eat food with villagers, right? Because they're townsfolk. यह सुनकर शालू चुप हो जाती थी परंतु किसी से बैर नहीं रखती बैर नहीं रखती शी डजंट होल्ड ग्रजेस ग्रजेस मींस राइट हेटिंग देम ऑन द इनसाइड फ्रॉम इनसाइड राइट सो दैट इज होल्डिंग ग्रजेस ओके सो जितना उससे हो सकता दूसरों की भलाई ही करती सो हाउ मच सो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ग्रजेस व्हाट डज शी डू शी tries to take care of others, right? Tries to help others, okay? संयोग से इस बार शालू को प्रदेश स्तर पर होने वाली वार्षिक समारोह के लिए चुना गया समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी थी इसीलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया था सो व्हाट हैपेंड देयर वाज अ फंक्शन राइट एंड शी वाज सिलेक्टेड राइट टू रिप्रेजेंट हर स्कूल ओके एंड what happened? She have to do that in front of Rajyapal of the state. समारोह में मात्र चार दिन ही शेष थे शालू बहुत खुश थी उसने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था So she was very happy. That's why she even invited her mother to the function. उस दिन सोमवार था शालू चारा लाने के लिए खेत पर गई थी चारा यानी फूड फॉर लाइफ स्टॉक cows और उसकी माँ खाना बना रही थी जब वो खेत से वापस आई तो उसके दरवाजे पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे साथ में गांव के प्रतिष्ठित लोग भी थे उनके सामने उनकी माँ भी खड़ी थी वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे ओके सो व्हाट हैपेंड दैट डे वाज मंडे एंड देन सम पीपल विलेज पीपल एंड सम रिच पीपल दे केम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस टॉकिंग विद हर मदर शालू ने नम्रतापूर्वक सभी को प्रणाम किया उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था सराबोर मीन्स भरा हुआ पसीने से भरा हुआ ओके इससे पहले कि शालू की माँ उनके बारे में कुछ बताती उनमें से एक आदमी बोला बेटी मैं इस जिले का DM हूँ हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है तुमने कला संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है तुमने अपने परिवार अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारा व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे यह लो आमंत्रण पत्र ओके सो व्हाट हैपेंड व्हेन शी केम बिफोर हर मदर कुड टेल हर She was told that since she got a top position in all fields, right? Whether it's music or in any other activities, even studies, right? So, Rajyapal will do what? Samman karenge, right? Uska. Or, that's why she was invited with her mother to the function, right? Amantra Patra dekar unhone Shalu ki peeth thapthapayi. उसने सजल नेत्र से सभी को प्रणाम किया यह देखकर माँ की भी धुलाई फूट पड़ी उसने शालू को गोद में उठा लिया आखिरकार समारोह का वो दिन आ ही गया जिसका सभी का इंतजार था राज्यपाल ने शालू को पुरस्कृत करने के बाद कहा सो व्हाट हैपेंड सो मदर वाज वेरी टच्ड शी वाज मूव्ड राइट बिकॉज हर डॉटर गॉट सच ए ह्यूज व्हाट टू से ह्यूज accomplishment, right? She have achieved something very big, right? Because the Rajyapal is going to puraskrit her. That's right. She was very happy and moved, right? And then after the puraskrit, उसे puraskrit करने के बाद Rajyapal ने क्या किया? उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में शालू जैसी मेहनती और होनहार छात्राएं हैं. यह उसकी मेहनत का सम्मान है आदर्शों का सम्मान है गरीबी का सम्मान है देश के सभी छात्र छात्राओं को शालू के जीवन से सबक लेना चाहिए इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है जिन्होंने इसके अंतर मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंजा विद्यालय की वे सारी छात्राएं जो उससे घृणा करती थी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी शालू को अध्यापक एवं अध्यापिकाएं स्वयं को उसका गुरु होने पर गर्व महसूस कर रहे सो राज्यपाल ने क्या कहा कि इट्स अ ग्रेट ऑनर राइट टू मदर एंड हर हार्ड वर्क अनदर शालू
because of her hard work, they are honoring her, but also the mother who keeps on inspiring her, right? Not to give up, keep working hard, right? Okay, and that's what he said. And when the other girls who used to tease her, right, who used to hate her, they felt very ashamed, okay, because they did not achieve something which Shalu achieved, even though she was a gareeb, okay? And then even the teachers felt very proud because they felt proud that they are the teacher of such a intelligent and hardworking student, okay? So this chapter is finished. We will discuss the questions in the next class, okay? Thank you.